प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रदेश महासचिव आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनके राजनीतिक सफर और इनके द्वारा इनके क्षेत्र में किए गए कार्य के बारे में जानते हैं। जी, आपका अब तक राजनीतिक सफर कैसा रहा है उसके बारे में बताइए। राजनीतिक सफर में 30 साल से हम लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ में हैं। पहले जब जनता दल नेताजी नेता विरोधी दल बने, उसके बाद मुख्यमंत्री बने, हम लोग नेताजी के साथ शुरू किए। उससे पहले से हम 3-4 साल पहले से काम कर रहे हैं राजनीति में, अपने मोहल्ले में समाज में रह के लोगों की शादी कराना, लोगों की दवाई पानी कराना, मिट्टी उठा के अपने हाथ में जला रहा था मिट्टी, तो ये सब काम मैं करता था। मैं फिर सीवर रोड नाली इसकी लाइट इसी सब लड़ाई लड़के हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया पूरे क्षेत्र के लिए। और तो फिर क्षेत्र में हम लोग इसी तरह धीरे धीरे किसानों की लड़ाई लड़ते थे। हम पहले हमारा गांव इधर गोमती नगर में हमारी जमीन थी, हमारे भैया किसान यूनियन के नेता थे, तो उनके साथ हम लोग किसानों के बहुत बड़े बड़े आंदोलन लड़े जिससे कई बड़े जनता को बहुत फायदा हुआ। उसके बाद समाजवादी नेताजी नेता विरोधी दल थे हमारे यहाँ आए T9 में, तो हम लोगों ने उनको स्वागत सम्मान किया यहाँ पे। नेताजी आने से घबरा रहे थे जियाओं में, फिर उनसे हम लोगों ने समझाया यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, हाँ भाई आपको पूरा स्वागत हुआ। तो नेताजी को लाया गया, नेताजी आए उनका पूरा स्वागत किया हम पूरे क्षेत्रवासियों ने। फिर नेताजी उसके बाद मुख्यमंत्री बने, फिर आए हमारे यहाँ, फिर हम लोगों ने स्वागत किया। फिर नेताजी जब पहली बार आए तो उन्होंने पानी की टंकी की बात की, सीवर की बात की, तो ये सब शुरू शुरू हुआ हमारे। तो आप विक्रमादित्य वार्ड से निर्दलीय सभा से जीते हैं, आपने 5 साल अपने क्षेत्र में क्या क्या काम किए, और अब जब आप प्रसपा में प्रदेश महासचिव के पद पर तैनात है, प्रसपा में शामिल हुए हैं, तो विक्रमादित्य वार्ड की जनता से आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है? आपने अपने क्षेत्र में क्या काम किया और क्या रिस्पांस अब मिल रहा है आपको? ऐसा है, मैं जब विक्रमादित्य वार्ड से चुनाव लड़ा तो मैं समाजवादी पार्टी में था जी। तो मैं जब यहाँ पे एक नवीन यादव जी थे उनको टिकट दिया गया समाजवादी पार्टी से, काम यहाँ क्षेत्र के मैं करता था, तो मैं लड़ा। तो मनीष श्रीपाल जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है मैं उस समय समाजवादी पार्टी में था, तो इन्होंने मुझको बुला के कहा, तो मेरे भैया गए इनसे बात किए, तो भैया ने बात किया तो उन्होंने कहा कि जॉब जो जीत गया हो जी। इन्होंने फिर मुझको मनीष श्रीपाल जी ने मुझको आशीर्वाद दिया, उन्हीं की बदौलत में प्रतिनिधि लड़ा और प्रतिनिधि लड़ा मैं जीत के आया। जीत के आया फिर अपने क्षेत्र में मैंने बहुत काम किए। उसके बाद बसपा सरकार आ गई, मैं जीतने के बाद 3-4-5-6 महीने बाद चुनाव हुआ विधानसभा का, बसपा सरकार आ गई, उसमें मेरा सीधे मायावती जी से बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। फिर जाके कई बार मैं इधर सतीश चंद्र मिश्रा जी योजना भवन के पीछे मायावती जी पूरा मकान गिरा रही थी, तो उसको मैं रोकने गया, मेरे पर लाठीचार्ज हुई, बहुत बसपा से कड़ा संघर्ष हुआ मेरा। माननीय श्रीपाल जी ने मुझसे कहा कि आप लोग यहाँ बैठे रहते हो, आप यहाँ बैठे रहे, तुम्हारा क्षेत्र है, जब उसको रोको जाके गिराया जा रहा है। तो मैं इनके कहने पे गया, इन्होंने लड़ा गया, पूरा साथ दिया मेरा। मैं आज ये कुछ भी हूँ तो माने श्रीपाल इन्होंने मुझे अपने छोटे भाई की तरह हमने मुझे प्यार दिया हमेशा। फिर मैं संघर्ष किया, फिर एक यहाँ स्टेडियम अम्बेडकर स्टेडियम चल रहा था, मैंने वहाँ स्टेडियम लिया था सरकार के खिलाफ। फिर माननीय श्रीपाल जी से हाईकोर्ट में मेरा पूरा मदद किए, पूरी मदद किए, और मैं जाता था बार बार सुप्रीम कोर्ट में मेरे कोई मदद करने वाला, फिर मैं समझौता हो गया सरकार में, बसपा सरकार में मुझे राजमंत्री बना दिया भी था। फिर मैं वहाँ भी रहा 3.5 साल। उसके बाद जब सरकार गई फिर सपा सरकार आ गई, फिर सपा सरकार में लौट के आया, मैं बोला मुझे कुछ बसपाइयों ने कहा कि वहाँ जाओ यार तुम खुद मदद कर दोगे, नहीं यहाँ बदले की भावना से काम ना होने लगे। तो मैं आया, मैंने नेताजी से भी बात की, नेताजी नहीं माने, माननीय मंत्री जी से बात की, श्रीपाल जी से बात की, तो इन्होंने कहा यार नेताजी से बात करो, तो मैं बात किया नेताजी से मैंने। तो यदि आज ये गठबंधन हुआ है जी, तो इसका सारा श्रेय मेरे को जाता। यदि मैं वो चीज़ ना रोकने में सक्षम सफल होता, ये उत्पीड़न वाली बात कि सरकार जाए तो आप परेशान करो, फिर सरकार आए तो आप परेशान करो, तो मेरी बात मानी गई। फिर तो यहाँ 2-4 अधिकारी आए, है ना, नेताओं पे तो कुछ ज़्यादा बात नहीं पाई, 2-4 अधिकारी आए, उन्होंने काम किया समाजवादी पार्टी को पूरा, तो हाँ पूरा मदद किया। यहाँ तक ये श्रीपाल जी ने मुझे ये भी वहाँ से निर्देश हुआ था बसपा से, ये श्रीपाल जी मुख्यमंत्री बनना चाहें तो पार्टी तोड़े, और श्रीपाल जी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं पार्टी हम तोड़ने के लिए। ये श्रीपाल जी के लोग कहते हैं मुख्यमंत्री बनने की चाहत है, मुख्यमंत्री बनने की चाहत होती तो उसी समय ये चाहते हैं तो BSP पूरा समर्थन कर रही थी, जो आज ये गठबंधन किए बैठे हैं। यदि मैं ना होता तो ये गठबंधन ना होता, यदि मैं
ये समझौता ना कराता है, अधिकारियों को परेशान करना, नेताओं को परेशान करना, ये सब मैंने रोका है। उसके सुधार जगजीवन मनीषपाल जी को है, और एक हैं रामसुपाल पांडे जी जो नेताजी के गुरु जी वो हैं, और नेताजी उनको बड़ा सम्मान करते हैं। इन लोगों ने पूरी मदद की, मैं अकेला सक्षम भी नहीं था उस चीज़ को रोकने में, सक्षम नहीं था, मगर इन लोगों ने मेरी मदद की, क्योंकि मैंने बहुत काम किया क्षेत्र में, बहुत ज़्यादा लाठियां खाई डंडे खाए तो बहुत। अब आप प्रसपा में हैं, तो आपको अपने क्षेत्र की जनता से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? क्षेत्र की जनता हमारे साथ है, हर घर के जी लोग हमारे साथ हैं, हमारा नजरिए ऐसा, स्वभाव हमारा ऐसा है। आज भी जो मैं हूँ, मैंने कोई ज़्यादा गलत काम नहीं किए, पैसे से मैंने नहीं कमाया, तो पैसे के अभाव होने के कारण मैं क्षेत्र के लोग ही मदद करते हैं। मैं अपना ना कहीं, मैं आजकल इंजीनियरिंग कार्य कर रहा हूँ, मेरे यहाँ बुआ जी हैं, वहाँ मैं रहता हूँ, तो खाना पीना सब मेरा करते हैं, उनके बच्चे भी मुझे बहुत मानते हैं। तो मैं 11-12 साल वहाँ एक्सीडेंट हो गया था, 18-19 साल पहले, तो मैं गया था वहाँ, तो वहाँ पर मैंने काम किया। मेरे नेचर को, स्वभाव को देखते हुए उन लोगों ने मुझे, आज वो मुझे अपने परिवार के हिस्सा मानते हैं। मैं वहीं रहता हूँ, वहाँ से आता हूँ, मेरे गांव क्षेत्र में 10 जिस घर में जो चाहूँ मांग के खा लेता हूँ, मेरा कोई अपना घर नहीं, मेरे भाई वही हैं, मैं जरा भाइयों से बोलता रहता हूँ, वो अपना काम अपनी जिंदगी में सुखी है, क्योंकि वो कहते हैं आप हमारे साथ रहो, हमारे काम करो। अब हम बचपन से गाँव वालों के साथ रहे, क्षेत्र इलाके के लोग साथ में रहे, अब नहीं बन पाती, अब इनको हम छोड़ नहीं पाएंगे। ये नए लड़के तैयार हो रहे हैं, भले हमको छोड़ दें, पर पुराने लोग हमको बहुत मानते थे, पर नए बच्चे भी हमारी इज्जत करते हैं, सब इज्जत करते हैं, बच्चों को ITI UTI कराते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, और जो भी हमसे हो सकता है मदद करते हैं, वो हमारी ये लोग भी मदद करते हैं। तो इस तरह से ओम प्रकाश जी, जो कि प्रसपा के प्रदेश महासचिव हैं, उनका राजनीतिक सफर रहा और उन्होंने अपने क्षेत्र में जो काम किया, अब वो प्रसपा में है, तो इस तरह से उनको सपोर्ट मिल रहा है अपने क्षेत्र की जनता का। लोकसभा चुनाव के लिए द राइजिंग न्यूज की रिपोर्ट, लखनऊ।